वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बी फार्मेसी, बीएससी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बी फार्मेसी के लिए कैले हैमिल्टन थ्योरम को ही कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कैले हैमिल्टन थ्योरम का कॉन्सेप्ट बताया था और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपको करवाए थे। जो उस वीडियो को नहीं देखेंगे प्लीज़ उसको पहले देख लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। वहाँ मैंने 2x2 के मैट्रिक्स को सॉल्व करके बताया था, यहाँ 3x3 मैट्रिक्स को लेकर के बता रहा हूँ, है ना। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं 8 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, 6 या 8 मार्क्स के लिए, जो भी हाईएस्ट होगा। 4 मार्क्स का हाईएस्ट होगा तो 4 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स हाईएस्ट होगा तो 6 मार्क्स के लिए, या 8 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, हाईएस्ट मार्क्स के लिए मिलते हैं। देखिए कैसा है कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैसा है, फाइंड द करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है एंड वेरीफाई दैट ए इज सेटिस्फाइड बाई मैट्रिक्स ए। पहले करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है और उसके बाद बताना है कि ये मैट्रिक्स ए से सेटिस्फाई होता है, एंड हैंस ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ ए, और आपको ए इनवर्स भी निकालना है। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो है आपको करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन है ये है कि आपको वेरीफाई करके बताना है, और थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको ए इनवर्स निकाल करके बताना है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को आपको सीधा सीधा भी दे सकता था, जैसे लास्ट के वीडियो में दिया हुआ था वैसा सीधा सीधा भी दे सकता था। वेरीफाई द गिवन मैट्रिक्स, वेरीफाई द गिवन मैट्रिक्स इज सेटिस्फाइड बाई ए। ये क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसा भी दे सकता था, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स, ऐसा भी लिख सकता था जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, या इसको ऐसे घुमा फिरा के भी लिखा हुआ है। ये कैले हैमिल्टन थ्योरम को ही वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन मैं निकालते, इसको रफ के लिए यूज़ करूँगा, यहाँ सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सॉल्यूशन इट्स, मैं डायरेक्ट लिखूँ, हियर ए इक्वल्स टू 2 -1, 1 -1, 2 -1, 1 -1 और ये 2, ठीक है। इट्स करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इट्स करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। ये इसका मतलब क्या होता है, डायगोनल में आप लैम्डा लैम्डा का माइनस कर देंगे, इसको डिटर्मिनेट के फॉर्म में लिखेंगे। ये 2 -λ -1, 1 -1, 2 -λ -1, 1 -1, 2 -λ इक्वल्स टू 0, ये करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो गया। और डिटर्मिनेट को मैं सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से डिटर्मिनेट कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ देख लेंगे, यदि आता होगा तो आप यहीं से देख लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए 2 -λ ये हो जाएगा, ये वाली रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 2 -λ का स्क्वायर माइनस में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये पॉजिटिव में निगेटिव में लेते हैं तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसके लिए ये रो और ये कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा -1, 2 -λ। माइनस में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, +1, इसके लिए ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 1 -1 × 2 -λ इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपको मिल जाएगा 2 -λ, ये a माइनस बी होल स्क्वायर होगा तो 4 -4λ + λ² -1 ये मिल जाएगा आपको, और ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, ये हो जाएगा -2 + λ और ये हो जाएगा +1,
और ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन माइनस टू प्लस लेमडा इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा टू माइनस लेमडा, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस फोर लेमडा और फोर माइनस वन प्लस थ्री, और ये हो जाएगा वन इंटू टू, ये लेमडा हो जाएगा वन इंटू लेमडा, लेमडा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन, माइनस वन इंटू वन तो माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये लेमडा माइनस वन आ गया, यहाँ से देखिए वन माइनस टू इक्वल्स टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन और ये हो जाएगा प्लस लेमडा इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा टू लेमडा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस फोर टू ज़ा एट लेमडा, माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स, ये हो जाएगा माइनस लेमडा क्यूब, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फोर लेमडा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस थ्री लेमडा, ये हो जाएगा प्लस लेमडा, ये लेमडा और ये लेमडा, टू लेमडा लिख दिया मैं इसको, और इसको ये टू लेमडा हो गया और माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा लेमडा क्यूब, ये माइनस लेमडा क्यूब, लेमडा स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है, तो ये हो जाएगा सिक्स लेमडा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एट माइनस थ्री, माइनस नाइन प्लस टू माइनस सेवन लेमडा हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिक्स माइनस टू, तो ये कितना हो जाएगा फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लेमडा, लेमडा क्यूब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस सिक्स लेमडा स्क्वायर और प्लस सेवन लेमडा, और ये हो जाएगा माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपका करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आया, ठीक है। ये करैक्टर, इसको पूरा सॉल्व किए तो करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ये अपने को मिला, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए, कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हो तो। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, माइनस एट लेमडा, माइनस थ्री लेमडा, माइनस एलेवन लेमडा और प्लस टू लेमडा, तो ये माइनस नाइन लेमडा बचेगा। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस एट माइनस थ्री माइनस एलेवन प्लस टू नाइन होगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका प्लस नाइन लेमडा। ये आप यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे, तो ये आपका करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिला। तो ये फाइंड करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपको मिल गया, पहला आंसर आपको मिल गया, एंड वेरीफाई दैट इट इज़ सेटिस्फाई बाई मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए से सेटिस्फाई होता है, इसको वेरीफाई करना है, तो बाई केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये ए से सेटिस्फाई होगा, मतलब ये ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस नाइन ए माइनस फोर आई इक्वल्स टू ज़ीरो, ये अपने को बताना पड़ेगा सेकेंड में, इसको वेरीफाई करके देख बताना है, वेरीफाई करना है मतलब ये पूरे का कैलकुलेशन करना है, लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड पूरे का कैलकुलेशन, ए टू द पावर थ्री निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, नाइन ए निकालना है, फोर आई निकालना है, इसका कैलकुलेशन करने से ये राइट हैंड साइड मतलब इसका रिजल्ट ज़ीरो आए, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसको कैसे करते हैं आप थोड़ा सा देखिए। देखिए अपने को इसको वेरीफाई करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अपने को प्रूफ करना है, इसका रिजल्ट ज़ीरो आना चाहिए। पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ए क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए निकालेंगे, आई निकालेंगे, सबको प्लस माइनस करेंगे, तो इसका रिजल्ट ज़ीरो आना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ए क्यूब कैसे निकालेंगे, तो पहले अपन क्या करते हैं, ए इंटू ए निकालते हैं, तो ये क्या निकलेगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए करके देखते हैं, देखिए क्या निकलता है, टू माइनस वन वन माइनस वन टू माइनस वन वन माइनस वन टू,
इसका प्रोडक्ट मैं इसके साथ करता हूँ, टू माइनस वन, वन माइनस वन, टू माइनस वन, वन माइनस वन, टू, ये दोनों का प्रोडक्ट कर लेता हूँ ए ए का, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, टू टू ज़ा फोर, और इसका इसके साथ करेंगे तो वन, इसका इसके साथ करेंगे तो वन, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस वन, अब इसका थर्ड के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा प्लस वन, और ये हो जाएगा प्लस टू, इसका हो गया। अब सेकेंड रो का करेंगे इस कॉलम के साथ, ये हो जाएगा माइनस टू, और ये हो जाएगा माइनस टू, और ये हो जाएगा माइनस वन, अब सेकेंड के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा प्लस वन, इसका थर्ड के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस टू, इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा प्लस वन, और ये हो जाएगा प्लस टू, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस टू, और ये हो जाएगा माइनस टू, और इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा वन, ये हो जाएगा वन, और ये आ जाएगा फोर, वन वन टू टू ज़ा फोर, ठीक है। तो देखिए क्या आता है, ए स्क्वायर का रिजल्ट देखिए, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया फोर सिक्स माइनस फाइव ये, और ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा माइनस फाइव, ये हो जाएगा सिक्स, ये हो जाएगा माइनस फाइव, ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा माइनस फाइव, ये हो जाएगा सिक्स, ये निकला ए स्क्वायर का रिज़ल्ट, ठीक है। तो ए स्क्वायर के रिज़ल्ट को मैं कहीं लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्स माइनस फाइव, फाइव माइनस फाइव, सिक्स माइनस फाइव, और ये हो जाएगा फाइव माइनस फाइव, सिक्स, इसको यहाँ लिख लिया। अब ए क्यूब निकालूंगा, पूरे को इरेज कर देता हूँ, फिर ए स्क्वायर इंटू ए करूँगा तो ए क्यूब निकलेगा। अब देखिए अपने को ए क्यूब निकालना है, ए क्यूब, ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए, ऐसा करेंगे, ए स्क्वायर आपके पास क्या है इसको लिख लीजिए, सिक्स माइनस फाइव, फाइव, और ये हो जाएगा माइनस फाइव, सिक्स माइनस फाइव, और यह है फाइव माइनस फाइव, और यह है सिक्स, और ए की वैल्यू क्या है, ये आपके पास ए की वैल्यू है टू माइनस वन, वन माइनस वन, टू माइनस वन, वन माइनस वन, टू, इसका मल्टीप्लाई करते हैं देखिए, तो ए क्यूब आपको क्या मिलेगा, ए क्यूब इक्वल्स टू इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स टू जो ट्वेल्व प्लस फाइव प्लस फाइव, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स माइनस टेन, माइनस सिक्स माइनस टेन माइनस फाइव, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स प्लस फाइव प्लस टेन, अब ये सेकेंड रो करेंगे, मल्टीप्लाई करना मैं लास्ट के वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख लेंगे एक बार, माइनस फाइव टू जब माइनस टेन, ये हो जाएगा माइनस सिक्स, ये हो जाएगा माइनस फाइव, अब इसके साथ करेंगे तो प्लस फाइव ट्वेल्व प्लस फाइव, ये हो जाएगा, अब इसके साथ करेंगे तो माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस टेन, अब इसका इसके साथ करेंगे थर्ड वाले के साथ तो ये हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा प्लस फाइव टेन प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस सिक्स, अब इसके साथ करेंगे तो माइनस फाइव, ये हो जाएगा माइनस टेन माइनस फाइव माइनस टेन माइनस सिक्स, और ये हो जाएगा फाइव प्लस फाइव, और ये हो जाएगा ट्वेल्व, सभी को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा ए क्यूब, ए क्यूब इक्वल्स टू ये हो जाएगा ट्वेंटी टू, ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन, ये हो जाएगा ट्वेंटी वन, ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन, ये हो जाएगा ट्वेंटी टू,
ये हो जाएगा माइनस 21, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा माइनस 21 और ये हो जाएगा 22। ठीक है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक हो तो। इसको भी मैं इस साइड लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22 माइनस 21, ये हो जाएगा 21 माइनस 21, ये हो जाएगा 22। ठीक है, दोनों को इस साइड लिख करके फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, कितना आता है इसका रिजल्ट देखते हैं। देखिए, कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाइड करना है तो ये सब की वैल्यू आपको पुटअप करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अपने को लेकर के बताना है, इसका कैलकुलेशन जीरो के बराबर आना चाहिए। ए क्यूब की वैल्यू पुटअप कीजिए, ये हो जाएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, 22 माइनस 21, 21 ये हो जाएगा माइनस 21, 22 और ये हो जाएगा माइनस 21, ये हो जाएगा 21 माइनस 21 और ये 22, ये हो जाएगा माइनस 6। ए स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कीजिए, ए स्क्वायर क्या है आपके पास 6, माइनस 5, 5 और ये क्या है माइनस 5, 6 माइनस 5, ये क्या है 5 माइनस 5, 6 फिर प्लस 9। ए की वैल्यू पुटअप कीजिए, ए की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2। अब माइनस 4 आई रखिए, माइनस 4 आई की वैल्यू रखिए, ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर से इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा 22 माइनस 21 माइनस 21 माइनस 21, 22 माइनस 21 ये हो जाएगा 21 माइनस 21 ये हो जाएगा 22। अब ये इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके साथ, 36 ये हो जाएगा माइनस 30, ये हो जाएगा थर्टी, ये हो जाएगा माइनस 30, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा माइनस 30, ये इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा माइनस 30, ये हो जाएगा 36। ठीक है, 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या मिलेगा 18 माइनस 9, 9 ये हो जाएगा माइनस 9, 18 माइनस 9 ये हो जाएगा 1 माइनस 1 सॉरी ये हो जाएगा 9 माइनस 9 और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपका माइनस 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं ये क्या मिलेगा आपको, देखिए 22 फर्स्ट एलिमेंट माइनस 36 और इसका प्लस 18 माइनस 4 दूसरा एलिमेंट, इसका कितना आएगा देखिए, इसको थोड़ा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, माइनस 4000 4000 4, इसको थोड़ा साइड में लिख दिया। दूसरा एलिमेंट कितना आएगा, माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 30 और ये हो जाएगा माइनस 9 माइनस 9 और ये हो जाएगा माइनस 0। तीसरा एलिमेंट कितना आएगा, 21 माइनस 30 प्लस 9 माइनस 0 ये कितना आ जाएगा माइनस 21, ये आ जाएगा प्लस 30 और ये आ जाएगा प्लस 9 ये 21 माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 माइनस 9 और ये हो जाएगा 0 माइनस 0। दूसरा आ जाएगा 22 माइनस 36, तीसरे में आ जाएगा प्लस 18 और ये आ जाएगा माइनस 4, चौथे में आ जाएगा माइनस 21 और माइनस माइनस प्लस 30 और ये हो जाएगा माइनस 9 माइनस 0 ये हो जाएगा 21 माइनस 30
21 माइनस 30 प्लस 9 माइनस 0, दूसरे में हो जाएगा माइनस 21 प्लस 30 और ये जाएगा माइनस 9 माइनस 0, तीसरे में हो जाएगा 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4। सबको आप कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है, इसको आप कैलकुलेट करके देखिए, इसको कैलकुलेट करके देखिए, देखिए क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4। आई को आप सॉल्व कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड को, देखिए इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, ये देखिए आप इसको माइनस के 22 और 18 40 माइनस 40 0, ये 30 माइनस 30 0, ये हो जाएगा 30 माइनस 30 0 और ये हो जाएगा 30 माइनस 30 0, ये हो जाएगा 40 माइनस 40 0, ये हो जाएगा 30 माइनस 30 0, ये हो जाएगा 30 माइनस 30 0, ये हो जाएगा 30 माइनस 30 0, ये हो जाएगा 40 माइनस 40 0, है ना। हैंस ये राइट हैंड साइड आ गया, हैंस कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड, कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ये राइट हैंड साइड आ गया आपका, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड आ गया। अब लास्ट बचा है कि अपन इनवर्स कैसे निकालें, ठीक है, इनवर्स भी निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसा निकल रहा है इनवर्स। देखिए फॉर ए इनवर्स, फॉर ए इनवर्स ये अपने को गिवन है, गिवन ये है, या वी हैव अपने पास ये है, वी हैव दिस इक्वल्स टू दिस, ये अपने पास है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड, ए इनवर्स इन बोथ साइड, दोनों साइड में आप मल्टीप्लाई कीजिए ए इनवर्स का, वी गेट अपने को क्या मिलता है, देखिए ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, ये हो जाएगा सिक्स ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 9 ए इंटू ए इनवर्स माइनस 4 आई इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0, एक एक कम हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 ए, ये ए ए इनवर्स कट जाएगा 9 आई और ये निकलेगा 4 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। इसका साइड इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 4 ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये इस साइड ही रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 आई, यहाँ पास वैल्यू डाल दीजिए इसका, है ना, इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो ए इनवर्स निकल जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 ए इनवर्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू 6 माइनस 5 5, ये हो जाएगा माइनस 5, 6 माइनस 5 ये हो जाएगा 5 माइनस 5 और ये हो जाएगा 6। ए में 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप डायरेक्ट, यहाँ से आप डायरेक्ट मैट्रिक्स ए में 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 का, तो ये हो जाएगा 6 टू जो 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 और ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा माइनस 6 ये हो जाएगा 12, ठीक है। प्लस यहाँ पास अपना 9i को ये कि कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 ए इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 6 पहला एलिमेंट माइनस 12 और प्लस 9, दूसरा एलिमेंट में माइनस 5 ये हो जाएगा प्लस 6 माइनस 0, तीसरा एलिमेंट में 5 माइनस 6 माइनस 0 ये हो जाएगा माइनस 5 ये हो जाएगा प्लस 6
माइनस जीरो, और ये हो जाएगा सेकेंड में सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस नाइन, सॉरी प्लस नाइन, और थर्ड में हो जाएगा माइनस फाइव प्लस सिक्स माइनस ज़ीरो, फोर्थ में हो जाएगा फाइव माइनस सिक्स, फाइव माइनस सिक्स माइनस ज़ीरो, हो जाएगा माइनस फाइव प्लस सिक्स प्लस ज़ीरो, ये ज़ीरो प्लस में, और ये हो जाएगा थर्ड एलिमेंट में सिक्स माइनस ट्वेल्व, सिक्स माइनस ट्वेल्व प्लस नाइन, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या मिलेगा इसको देख लीजिए आप। देखिए ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये फोर का साइड चेंज कर लीजिए तो हो जाएगा वन बाई फोर, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 15 माइनस ट्वेल्व थ्री, और ये हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा सिक्स माइनस फाइव वन, ये हो जाएगा थ्री, और ये हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा माइनस वन, और ये हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा थ्री, ठीक है। तो ये आया आपका ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू वन बाई फोर थ्री वन माइनस वन वन थ्री वन माइनस वन वन थ्री माइनस वन वन थ्री, ये आया। थोड़ा सा लंबा था, थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स थोड़ा लंबा ही बनता है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे ढंग से करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।